तो आइए देख लेते हैं इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा कला और हुनर की दुनिया में। संगीत और आध्यात्म को एक ही धागे में पिरोने वाली कड़ी है बाउल संगीत। बाउल पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत है जिसका जन्म बंगाल की माटी में हुआ। इसी लोक परंपरा के एक लोक नायक थे लालन शाह, जिनके गीत रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए भी प्रेरणा बने थे। बाउल संत फकीर लालन शाह के सम्मान में ढाका में बाउल संगीत समारोह का आयोजन हुआ जिसमें भारत और बांग्लादेश के करीब 25 बाउल गायक शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश संस्कृति और बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग के सहयोग से किया गया था। लालन शाह भारत और बांग्लादेश में महान बाउल संत के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने 2000 से ज्यादा गीत लिखे। लालन शाह जाति धर्म और आर्थिक विषमताओं से ऊपर उठकर मानवता के गीत गाते थे। उनकी रचनाओं में संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम छलकता था। भारत की ओर से बाउल गायक स्वप्न अधिकारी, वरुणा प्रसाद, करुणा प्रसाद और ईला विश्वास ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संत लालन शाह की रचनाएं लंबे समय से मौखिक रूप से ही जीवित रही और उन्हें लिपिबद्ध करने का काम बाद में शुरू हुआ। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में भारत और बांग्लादेश के गायकों ने अपने रूहानी सुरों से जहां दो देशों की सरहदों को मिटा दिया, वहीं बाउल संगीत के इस महान नायक की रचनाओं को स्वरबद्ध कर संगीत के इस महान पुजारी को भी सुरमय श्रद्धांजलि दी। रामानंद रंग तरंग के लिए ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट।